सो है एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज हम बनाने वाले हैं मोमोज। और ये गाइस स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर लोग का बोलने के कारण से हम बना रहे हैं। तो गाइस, विदाउट एनी टाइम टेकिंग हम अपने रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, मोमो बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे प्याज जो कि ग्राइंड किया हुआ है वो लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका जो स्टफ लगाना होता ना, लाइक चिलीज। और उसके बाद यहाँ पे चिकन भी, बोनलेस ला चिकन। अगर आपके पास बोनला है तो आप बोनला को बोन को निकल के उसको खा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर आपके पास ग्राइंडर या पर मिक्सर नहीं है बोनलेस से गाइस, आप उसको हाथ से भी छोटा छोटा टुकड़ा कर सकते हैं। और मेन चीज हमारा कॉर्नफ्लोर, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लहसुन। तो गाइस, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, रेसिपी को स्टार्ट नहीं करने से पहले हमारे पास वो क्या वाला नहीं है, स्प्रिंग ओनियन नहीं है। सो गाइस, स्प्रिंग ओनियन के जगह हम ये क्या को बनाएंगे, फूल गोभी, आई मीन बंडा गोभी। तो गाइस, इसको कुछ इस तरह से करके हाथ से ऐसे। सो गाइस, यहाँ पे हम पीस कर लेंगे, आटा का यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास मैदा अवेलेबल नहीं था। और गाइस, आटा से मोमो बनाने का एक अलग ही चैलेंज होता है ना, तो गाइस वही चीज को देखते हुए हम इसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके बनाएंगे और टेस्ट करेंगे। तो गाइस, ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये लोकल ही है, जो हमारे लोकल में बनाया जाता है। तो गाइस, इसको कुछ इस करके कर लेते हैं। हमारा मोमो का पर्स रेसिपी, आई मीन पर्स चीज जिसे हमें अच्छे से करना है। सो गाइस, हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। सो गाइस, यहाँ पे हम आटा का यूज़ कर रहे हैं, तो मैदा के मुकाबले में आटा बहुत ज़्यादा थान होता है, तो उसको हमें एक्स्ट्रा गूंदना पड़ता है। तो गाइस, उसी का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। तो गाइस, वीडियो को थोड़ा पासपोर्ट पर कटे है क्योंकि बोर्ड लॉन्ग गया था। सो गाइस, ये ऑयल हम डाल के इसे गून लेते हैं अच्छे से। सो गाइस, इसमें हम ओनियन डाल देते हैं जिसको हमने आगे पे ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसका जो मोमोस में लगते हैं उसका स्टफ बना लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये चिकन जो कि हमने अच्छे से ग्राइंड किया है, उसके बाद इसके ऊपर हम ये इसे गाइस आप हाथ से मिलाइए या पर चम्मच से मिलाइए, दोनों सेम ही हैं। उसके बाद गाइस, ये भी अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन नहीं है तो आप ये बंडा गोभी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको मैंने आगे बताया था। तो इसे भी डाल देते हैं। और गाइस, अब हम डालेंगे धनिया। तो गाइस, धनिया भी ना बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तो धनिया का भी इसमें होना बहुत ज़रूरी है। इसे स्टिक को निकाल लेना। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और इसमें हम डालेंगे चिली, जिसको मैंने अच्छे से कट करके रखा था, ग्राइंड करके रखा था। अब गाइस, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और गाइस, स्वाद अनुसार हम इसमें सल्ट डाल देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे सोया सॉस भी डालने जा रहे हैं थोड़ा सा, और इसे अच्छी तरह से बबल्स मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस, हमारा ये रेडी हो चुका है, चिकन का एक काम भी हो चुका है। अब हम अपने दूसरे स्टेप पे इसे स्टीम करने वाले स्टेप पे डाल देते हैं। चले गाइस, तो गाइस इसमें हम थोड़ा ऑयल मिला लेते हैं। गाइस,
गाइस ये भी इनफ है ऑयल। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो प्रिजर्व करके रखा हुआ का, अब हम इसे अच्छे से बना लेंगे। तो गाइस सबसे पहले इसे कट कर लेते हैं इसके एक एक हिस्से पे। इसको ना गाइस कुछ इस प्रकार के करके चुता 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 करेगा। देखिए गाइस ये भी बहुत इनफ है। इसको गाइस हम मैदा में थोड़ा डाल के अब गाइस इसे हम बेल लेते हैं। तो गाइस ये बहुत चौथा है बेलने के लिए। ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है, एकदम मीडियम में, ऐसे मीडियम में बेलना है। तो गाइस हम पूरा बेल लेते हैं ऐसे करके, इसके बाद आपको हम दिखाएंगे। तो गाइस इसमें हम थोड़ा सा अजीनोमोटो भी ऐड कर लेंगे थोड़ा सा गाइस, और ये एक मेरा सब्सक्राइबर ने बताया था कि तो गाइस लेट्स ट्राई। तो गाइस थोड़ा सा डाल रहा है, ज्यादा भी नहीं क्योंकि ओवरलोड होने से टेस्ट गैप होगा। तो गाइस अब हम हमारा सेकेंड फाइनल, तो गाइस इसको हम सेव देते हैं अपने मोमो को। तो सबसे पहले गाइस इसका जितना ले सकते उतना ले लीजिए, उसके बाद इसमें हम देखिए गाइस ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि आपने तो बहुत ज़्यादा मोमो का अलग अलग शेप देखा होगा, लेकिन इस बार हम थोड़ा इजी से और ट्रायंगल से बनाएंगे। जो फर्स्ट लर्नर होगा उसके लिए तो इजी होगा। तो गाइस ट्रायंगलर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये कॉर्नर से लेना है, और फिर मिडिल पे से रख के अब हमें गाइस ये कॉर्नर वाला को उठा के ये मिडिल वाला में चिपका देना है कुछ इस तरह से गाइस। और गाइस आप जब ये कर रहे हैं तो आपका हाथ पूरा सूखा होने और इसको अच्छे से कर देना है। तो गाइस देखिए ट्रायंगल बन चुका है। तो गाइस सबको ऐसे कर लेते हैं। तो गाइस अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप जहाँ से चावल क्या करते हैं ना, ये चावल धुला, तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह का होता है, इसका बहुत तरह अलग अलग शेप में आता है। तो गाइस इस यहाँ पे मोमो नहीं डालने से पहले हम आगे ऑयल से राउंड अप कर लेंगे, ताकि जब मोमो डालेगा तब नहीं चिपकने के लिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरा प्रोसेस को देखते रहना। तो गाइस इसको हम ऑयल को देखो गाइस कुछ इस तरह से साइड साइड में पूरा लगा देंगे। तो गाइस ऑयल लगा लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने वाटर जो कि 2 ग्लास लिया है, ताकि इसको हम लोग क्या स्टीम कर सकेगा। तो गाइस इसको देखिए गाइस ऐसे डालना है, ऐसे ऐसे डाल के रखना है, और इसमें हमने ऑलरेडी ऑयल डाल दिया है। तो इसको हम मोमो को कुछ इस तरह से गाइस इस तरह से पिटअप करके रखना है। तो गाइस चलिए मोमो को से रख के हम छोड़ देते हैं। सो गाइस हमने मोमो को डाल दिया है, अब हम इसमें ढक्कन डाल लेते हैं। और गाइस इसे हम स्टीम होने के लिए, और गाइस मोमो को पकने के लिए ऑलमोस्ट आपका 20 मिनट ऐसे लगता है। तो ठीक है गाइस इसे फुल फ्लेम में पक देते हैं। सो गाइस हमारा मोमो फाइनली पक चुका है। इसे हमने 25 मिनट्स ऑलमोस्ट रखा था, क्योंकि हमने इसे मैदा से नहीं करके हमने इसे आटा से बनाया था। तो गाइस इसलिए हमने इसे थोड़ा और देर पकने देने के लिए। तो गाइस रिजल्ट देखते हैं कैसे होता है, एक निकल के देखते हैं। गाइस जूसी है, जूसी जूसी। सो गाइस हमारा मोमो बन चुका है फाइनली, और इसको हमने रेडी कर लिया है। तो गाइस अब हम इसकी चटनी बना के और इसे हम टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसे है। तो गाइस वीडियो बने रहना है एंडिंग तक। सो गाइस हमारा मोमो फाइनली बन चुका है, और ये हमारा होममेड चटनी है। तो गाइस देख सकते हैं, अगर आपको चटनी का भी रेसिपी चाहिए बोलने से आपको मैं जल्दी ला दूंगा। और उसके बाद गाइस अगर होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरा न्यू रेसिपी जल्दी मिल जाए। तो गाइस थैंक यू।